हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हमारी 15वीं क्लास है। बेसिक मैथ चल रहा है और इसकी आज 15वीं क्लास है। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले जो टॉपिक करा दिए गए वो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा डेसिमल ऐड। ठीक है, जो दशमलव के जो जोड़ होते हैं उनको हम इसमें देखेंगे और डिटेल्स में देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, समझने के लिए हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास कुछ जीरो से ही चलेंगे, जीरो लेवल चल रहा है मैथ का, तो जीरो लेवल से ही करेंगे। हमारे पास जीरो पॉइंट कुछ एक है, ठीक है, प्लस 0.2 है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, इनको हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, देखो 0.1 और 0.2, तो क्या 1 और 2 3, दशमलव, ये 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.3। ठीक है, हो गया सीधा सीधा आपका 1 और 2 3 हो गया, 0 0 हो गया, पॉइंट का पॉइंट हो गया, ये ऐसे हो जाएगा आपका। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास 4.3 और प्लस 3.5। अब जहाँ समस्या आती है उस वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये देखो। एक क्वेश्चन में एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको, वो समस्या आपको कहाँ देखने को मिलेगी। ये बेटा ये होता है कि मैंने कोई संख्या मैंने आपको दी 3.5 और इसी में ऐड कर दिया मैंने 4.267। अब तुम कैसे जोड़ोगे इसको, ये समस्या आती है आपको। ठीक है, पॉइंट के बाद तो 5 है यहाँ, और यहाँ दशमलव के भी क्या क्या है, 267। ठीक है, 267, तो ये आपको गलत हो जाएगा, तरीके से रखना पड़ेगा यहाँ पर। और सबसे पहले मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले उसका नाम और हिंदी मतलब पता होना चाहिए। तो डेसिमल की स्पेलिंग क्या होती है, बच्चे कुछ ध्यान नहीं देते, टॉपिक तो देख लेते हैं, अब आप भी देख रहे हो, टॉपिक तो आपने देख लिया, डेसिमल ऐड है, लेकिन आपको क्या, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव, और स्पेलिंग क्या होती है इसकी, DECIMAR, डेसिमल, एड, ए डबल डी, एड मीन्स जोड़, दशमलव जोड़। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका हमको मतलब पता होना चाहिए, उसका नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों चीज तरीकों से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने जो लिखा है इसको ऐड करो, कैसे करोगे, तो पीछे वाली संख्या क्या हमारी 3 और 5 8। ठीक है, और दशमलव की जगह दशमलव लगा दिया, और ये 4 और 3 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3.3567 प्लस 2.673। ठीक है, इसको कैसे ऐड करोगे, देखो। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, कुछ बच्चों को ऐड नहीं आते हैं तो ऐड बेटा उसमें वीडियो में जाके देख सकते हो, एक वीडियो उसके ऊपर पहले से ऑलरेडी बनाई दी गई है आपके लिए और आप उसको देख सकते हो। ये संख्या हमने याद लिख ली, अब इस संख्या भी नोट करो, अब 2.673, इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, करिए ऐड। ऐड होगा कि देखो 7 और 3 10 का 0, हाँ सो 1, 6 और 1 7 और 7 14 का 4, हाँ सो 1, 5 और 1 6 और 6 12 का 2, हाँ सो 1, 3 और 1 4 और 2 6, तो ये दशमलव का, यहाँ दशमलव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल चल रहा है अभी। फोर क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है बेटा, अब ये तो 2 संख्याएं, अब हमारे पास होंगे 3 संख्याएं, क्या होंगी, अब हमारे पास 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ऐड करना है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे ऐड करना है तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, कैसे देखो, अब पीछे वाली संख्याओं को ऐड करो। अब ये देखो, पहले दशमलव के बाद सब में 2 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं और दशमलव के बाद 2 संख्या, अगर बराबर संख्या है तो ही ऐसे जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब 4 और 3 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13 3, हासिल 1, 1 और 1 2 3 5 और 4 9। ठीक है, ये दशमलव सबके 2 अंक के बाद में, तो यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सीधा करके जोड़ेंगे। ठीक है, ये 4.23 है, ये 3.23 है, ये 1.84 है। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, 3 और 3 6,
और 4 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, और 1 और 2 3 और 2 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, और ये 10 मतलब का आपका 10 मतलब, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके देखिए और समझिए, और थोड़े से हार्ड लेवल पे चलते हैं, बच्चों वाले सवाल हैं, जीरो से बिल्कुल आपको सिखाया जा रहा है, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऐसे जो क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे देखेंगे आप, देखो मेरे पास जैसे क्वेश्चन है 1.6 और एक क्वेश्चन है मेरे पास 2.35, ठीक है, इसको कैसे ऐड करोगे। अब दसवनों के बाद इसमें एक संख्या है और यहाँ पे क्या है, 2 संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिख लेते हैं 2.35 आपको समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो हम इस संख्या को ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जो ये 1.6 है इसको ऐसे ही लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, दशमलव के नीचे बेटा दशमलव ही आना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। और दशमलव के नीचे दशमलव आ गया और पॉइंट के 10 दशमलव के बाद क्या 6, अब आगे कुछ है नहीं हमारे पास और इसमें है तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, सिंपल, समझो। ये 2.35 लिख दिया, 2.35 यहाँ पर लिख दिया हमने, और 1.6 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के नीचे हमको दशमलव लिखना है, इस बात का ध्यान रखो, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद क्या संख्या 6 और दशमलव के पहले 1, तो इसको एज इट इज ऐसे रख देंगे, ठीक है, और जहाँ पर नहीं है संख्या वहाँ 0 रख देंगे। अब इनको ऐड कर दो बेटा, देखो ऐड कैसे करोगे, 5 में 0 को ऐड करोगे तो 5, 3 में 6 ऐड करोगे 9, और 2 और 1 3 आपका आंसर। अब आप एक चीज समझो थोड़ा सा, अगर मैं 5 में 0 ऐड करूं तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं 5 में से 0 घटाऊं तो बेटा क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 5 का गुणा 0 में करूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 5 का भाग 0 में करूं तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये चीज समझने वाली है, इन चारों चीजों को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और इसका एक टॉपिक और समझ लो, जैसे मेरे पास -5 है और -1 है तो ये क्या आएगा, -4 आएगा। अगर इसी में -5 है और -1 है तो क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ लो ढंग से, जैसे 5 का गुणा मैं -1 में करूँ तो क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास -5 गुणा -1 करूँ तो क्या आएगा, +5 आएगा, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा, +, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ लेना ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 6 नंबर, ये 5 हो गए हमारे अब कंप्लीट, अब लेंगे हम 6 नंबर, 2.69, 2.69 प्लस 3.35, और बोलने का तरीका आप सीख सकते हो, बोलने का तरीका ये है कि एक अंक बोलेंगे दशमलव के बाद, जैसे 2.69 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में आप बोलते हो 2.69 या 69 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक, देखिए कैसे करेंगे और कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, देखिए सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली संख्या को लिखेंगे हम सबसे पहले 2.69 और नीचे आप पे क्या है 3.453, इसको प्लस करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे बेटा संख्या नहीं है तो 0 लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आपका आ गया है इसलिए आपका ये सही है, लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अब ऐड कर दो, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 9 में 5 ऐड करेंगे तो बेटा 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 और दशमलव का आपका दशमलव, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐड ही करने हैं, बस दशमलव का ध्यान रखना है। अब मेरे पास कुछ ऐसी संख्याएं देखने को मिलेंगी, कुछ हमको ऐसी संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो इनको देख के घबराना नहीं है, इनसे लड़ना है। कैसे लड़ोगे, हथियार आपके पास है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है, तो लिखो पहले इस तरीके से करो 3.001 4
वन टू थ्री फोर, जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे बेटी, देखो कैसे ऐड करेंगे। दशमलव के बाद आपको ये देखना है, बस दशमलव के नीचे आपको दशमलव आना चाहिए, ठीक है बेटा। दशमलव के नीचे आपको आना चाहिए दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आएगा तो उल्टा सीधा लग जाएगा, उल्टा सीधा लग जाएगा तो फिर आपका ऐड नहीं होगा, जब ऐड नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आएगा, आंसर गलत आएगा इसका मतलब ये है कि आपको ढंग से समझा नहीं है, ठीक है। इसी बात को अब ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखो अब इनको ऐड करो, अगर मैं ये सुनो, एक मिनट सुनो, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं 6.93 या 3.001, 3.001 और इसको लिख दूं मैं यहाँ 4.1234, तो गलत हो जाएगा ना, फिर ये जुड़ेगा कहाँ, ये तो गलत हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास है, और समझ, जैसे मेरे पास 1.5 है, सॉरी 2+1.5 है, तो ऐसे इसको कैसे जोड़ूंगा मैं, ऐसे कर दूं इसको, दो जोड़ दूं इसके नीचे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अब दो है, ये है डेढ़, ये है देसी भाषा में, आपके में पुरानी भाषा ये आपको डेढ़, तो दो और एक 3.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3.5। कैसे होगा, दो को यहाँ रखेंगे, 1.5 यहाँ नहीं है तो लगा दो, 5, 2 और 1, 3, 3.5, और दिख भी रहा है 2 और 1, 3.5 हो गया, इसलिए दशमलव के नीचे आपका दशमलव आना चाहिए, नहीं है तो लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है जी। करिए सॉल्व, देखिए 0, 0 ये 4 है तो 4 लिख देंगे, 3 और 1, 4, ठीक है जी, 3 और 2, 5 हो गया जी, 9 और 1, 10 के 0 हासिल 1 हो गया जी, 6 और 1, 7 और 3, 10 और 4, 14 पॉइंट लगा दिया आंसर, ठीक है जी, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, देखिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हमारे पास 6.9354 या 3, अब ये जो वाली संख्या है जो मैं अभी एग्जांपल आपको समझा रहा था उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने की बात है, वैसे इसमें लिखना आना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं से होती है कि इसको लिखेंगे कैसे, समस्या यहीं पे लिखेंगे कैसे, ठीक है। लिखो, देखो पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया, अब क्या कह रहा है 343.7, अब दशमलव के नीचे में दशमलव लूंगा, दशमलव के बाद क्या 7, आगे लिखेंगे हम 343, 3, 4 और ये क्या है इसके नीचे लिख देंगे 3, ये चीज समझो, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर लिख देंगे बेटा 0, आगे समझ में, यही समझ में आना चाहिए, ये 6.935 हमने लिख दिया, 5, 4 प्लस 343.7 या 0.7, तो ये लिख दिया, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया आपका आंसर सही, दशमलव के दशमलव नीचे आना चाहिए, उसके आगे आपकी संख्या इधर हो चाहे इधर फालतू हो, और कहीं पर संख्या नहीं हो तो वहाँ 0 लगा के उस क्वेश्चन को ऐड करेंगे। देखो 4, 5, 3, 9 और 7, 16 का 6, 1, 6 और 1, 7 और 3, 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1, 5 और ये आ गया आपको 3, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मेरे पास जैसे ये संख्या है प्लस 32.61 प्लस 1.21, अब मेरे पास तीनों संख्या है, दिखाई दे रहा है आपको तीनों क्या है, इसमें क्या है 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे क्या है 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखोगे तभी समझ में आएगा आपके, क्योंकि इसमें जो तुमने ऐड सीखे हैं सबसे पहले वो आपने इस तरीके से सीखे हैं, जो ये ऊपर तरीका देख रखा आपने ये इस तरीके से जल्दी सीखे हैं, इस तरीके से आप जल्दी सीख जाओगे, इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है प्लस 32.61, 32.61, 1.21, 1.21, ठीक है, 0
ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो, जहाँ संख्या नहीं है, ठीक है, जहाँ संख्या नहीं है वहाँ संख्या लगा जीरो लगा देंगे। अब इसको ऐड कर दो, एक और एक दो, पाँच और छः 11 और दो 13 का 3 आंसर, एक एक और एक दो और दो 4 एक 5, दशमलव का दशमलव लगा देंगे बेटा, दो और तीन 5 में जीरो ऐड करेंगे तो 5 आएगा और एक का एक आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 3 4 9 4.1 प्लस 1.3434 प्लस 0.3468, बड़ा क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 4 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 0 के बाद दशमलव दे रखा है और 5 संख्या दे रखी है, कैसे सॉल्व करेंगे जी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझने पर ध्यान देना है बस आपको, दिक्कत वाली बात, ठीक है। देखो करना क्या, सबसे पहले हम अपनी संख्या लिखेंगे, बस यही समझ में आना चाहिए, 34.94.1 30.1, ये कह रहा है 1.34 34, 1.34 34, नेक्स्ट कह रहा है 0.0 दशमलव 34568, इनको क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करना आपको आता ही है, 8 हो गया, 4 और 6 10 के 0 आंसर 1, तो 1 और 3 4 और 5 9 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 1 और 3 4 और 3 7 हो गया और यहाँ 4 और 1 5 हो गया बेटा, और ये 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 और 3 का 3, यही आपका आंसर, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया बेटा। और आप इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आपकी आ गया होगा, और जिसकी समझ नहीं आया है तो वीडियो को बेटा दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, ध्यान लगा कर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन नहीं करोगे जब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।